जय जय श्री राधे श्याम। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आशीष ढींगरा आज फिर से अपने चैनल सक्षम एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये प्रॉपर्टी के ऊपर है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है या बहुत टाइम से फंसी हुई है, कोई प्लॉट लिया हुआ है, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली हुई है और वो सेल नहीं हो रही है, कोई जिसे हम कहते हैं कोई सौदा जो है वो किसी तरह से कोई सिरे नहीं चढ़ रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत अचूक रेमेडी लेकर आया हूँ, उपाय लेकर आया हूँ, जिससे करने से आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो प्लॉट्स हैं अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं अच्छे दामों पर, तो वो बहुत ही जल्दी सेल हो जाएंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपकी जो सभी समस्याएं हैं उसका इसमें हल है और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी और भी जो वीडियोस आती हैं, बहुत सारी वास्तु की टिप्स आती हैं, वास्तु की रेमेडीज आती हैं, उसके ऊपर जो है मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज लेकर के आता हूँ। स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं हो रही है, बिक नहीं रही है, पैसों की ज़रूरत है, अच्छा मुनाफा नहीं दे रही है, या कोई क्लाइंट आता भी है पर अच्छे से उसकी डील नहीं हो पाती है, आपने क्या करना है, अगर हम आपकी कुंडली के आधार पर देखें, आपके होरोस्कोप के आधार पर देखें, तो आपका जो फोर्थ हाउस है, आपका नहीं सबकी कुंडली में ही जो है फोर्थ हाउस जो होता है, चौथा घर जो कुंडली का होता है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जीवन में कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, कितना आपको सुख मिलेगा, कितना आपको माता का सुख मिलेगा, कितना वाहन का सुख मिलेगा, ये लग्जरीज जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से मिलती हैं। चौथा घर मजबूत है या नहीं है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें जाकर के देखिए आपका फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह विराजमान है वहाँ पर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कमी है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता स्ट्रांग है, बिकॉज भूमि पुत्र जो हैं ओम भौमाय नमः उनका मंत्र है, मंगल देवता जो हैं अगर कुंडली में कमी कहीं ना कहीं अस्त हैं या वक्री अवस्था में हैं या किसी तरह की कोई दृष्टि है उन पर, तो भी जो है ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉपर्टी बिकनी या प्रॉपर्टी अटक जानी या प्रॉपर्टी का सुख मिलना ही नहीं, वो जीवन में उसका जो है मंगल देवता से रिलेट होता है। मंगल देवता को स्ट्रांग कीजिए कुंडली में अपने। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो हम प्लॉट लेते हैं, जो भूमि होती है, जो खाली भूमि होती है, जो प्लॉट होता है, वो मंगल देवता को रिप्रेजेंट करता है, मंगल देवता से आता है, बिकॉज भूमि पुत्र मैंने आपको अभी बताया मंगल देवता है। और जो अगर उसके ऊपर जब हम नींव बना देते हैं या नींव बन जाती है उसके बाद प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड हो जाती है, तो वो शनि के अंडर आ जाती है, शनि महाराज उस प्रॉपर्टी के फिर ऑनर हो जाते हैं। इसलिए मंगल देवता और शनि देवता का आपकी कुंडली में क्या रोल है, क्या उनकी बलाबल है, उनमें स्ट्रेंथ कितनी है, वो सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उपाय की बात करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता और शनि देवता अच्छे घरों में विराजमान है तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया आपको सुख मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें जो है जीवन में घटित होंगी। दूसरी बात, अगर हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है जो इस वीडियो का विषय है, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपने क्या करना है, चार मंगलवार, कम से कम चार मंगलवार को जो काली सरसों होती है, ब्लैक कलर की सरसों होती है, एक पीली सरसों होती है, एक ब्लैक कलर की सरसों होती है, उसे एक मुट्ठी सरसों आपने क्या करना है मंगलवार को जो है उस प्रॉपर्टी पे डाल के आनी है, एक मुट्ठी काली सरसों और 41 जो दाने हैं वो ब्लैक उड़द की दाल के, काली उड़द की जो दाल होती है उसके गिन करके आपने 41 दाने लेने हैं वो लेकर के, और काली जो सरसों मैंने आपको बताई, ये दोनों चीज़ें आपने मंगलवार को जो है अपनी प्रॉपर्टी में अगर आप वहाँ पर बिखार के आते हैं, फेंक के आते हैं, या जैसे हम कहते हैं वहाँ डाल के आते हैं, तो उससे उसके बाद आपने क्या करना है, वो सारा दिन मंगलवार का सुबह आपने जाना है और ये कार्य करना है। उसके बाद बुधवार को सुबह जा करके आपने उस प्रॉपर्टी की सफाई करवानी है, खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर किसी से करवा सकते हैं
तो आप वहाँ की सफाई करवाइए, उसके बाद वहाँ पर गंगा जल छिड़किए और प्रॉपर्टी के नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व दिशा होती है वहाँ पर आपने वास्तु निवारण दोष यंत्र आता है वो आपने वहाँ पर स्थापित करना है। वास्तु दोष निवारण यंत्र वहाँ पर आप स्थापित करेंगे तो उससे देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपका मन चाहा जो आप पैसा चाहते हैं, मन चाहा जो आप डील चाहते हैं वो आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये था छोटा सा प्रॉपर्टी के लिए उपाय आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें, कल्याण हो आपका। और मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ अपनी लेकर के आता रहूँगा यूट्यूब पर, इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।